तो गाइस यार देखा आपने कितने अच्छे से जो है ड्रिल मशीन काम कर रही है और आप इसे अपने स्टूडियो का छोटे मोटे काम बढ़िया आसानी से आसान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बढ़ाकर दिखाने वाला आपको एक ड्रिल मशीन। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं, लाइक नहीं कर तो लाइक कर देना और हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने छोटे भाई को सपोर्ट जरूर से दिखाइएगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा जो आज की इस वीडियो में मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस यार वीडियो पर क्लिक कर दिया तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर ले रहे हैं हम इस तरीके के दो पीवीसी का पाइप, देख सकते हो करण अर्जुन ये बिल्कुल भी जुदा नहीं होने वाले। इस तरीके से जो हमारी ड्रिल मशीन का जो है लुक आने वाला है, तो यहाँ पर इस तरीके से जो हम इसको लगाने वाले हैं, तो इसका आगे का काम पर चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास है ढेर सारे मोटर, देख सकते हो इनमें जो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये वाला भी मोटर का यूज नहीं करना है। देख सकते हो इसका काफी ज्यादा जो कम आरपीएम और टॉर्क होते हैं, तो आप इसका भी यूज नहीं कर सकते, इसके भी कम आरपीएम और टॉर्क होते हैं, देख सकते हो दोस्तों। और यहाँ पर यूज करने वाले हम इस तरीके का एक मोटर का, देख सकते हैं इसके जो काफी ज्यादा जो है आरपीएम और टॉर्क होते हैं, तो हम इसका यूज करने वाले हैं। आप जो है 12 वोल्ट का भी यूज कर सकते हैं, जो 12 वोल्ट के मोटर आते हैं तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ले रहे हैं हम इस तरीके का एक 3 रुपए वाला पेन, देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पर हम जल्दी से इसको कट कर लेते हैं, तो देखिए गाइस मेरा हाथ में कितना जादू है, तो इसे मैंने कट कर लिया है, बाद में कट करा। तो देख सकते हो दोस्तों इस तरीके से जो इसके अंदर काफी अच्छा से फिक्स आ रहा है, तो आपको भी इस तरीके से लगा लेना है। और यहाँ पर ले रहे हैं हम इस तरीके के एक ड्रिल बटी बिट, देख सकते हो दोस्तों कि इस तरीके से जो इसमें हम जल्दी से लगा लेते हैं। तो आप इतने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गाइस यहाँ पर ले रहे हैं हम इस तरीके का जो है पीवीसी पाइप, देख सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। यहाँ पर हम जो है फोन स्विच लगाने के लिए होल कर लेते हैं, तो आप जो है सोल्डिंग आयरन से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है मोटर में भी वायर जोड़ लिए, देख सकते हैं प्लस माइनस आप जो है कोई सा भी जोड़ सकते हैं, तो हमारा मोटर जो है अच्छी डायरेक्शन में जो है घूमना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से जो है फोन स्विच लगाने के लिए होल कर लिया है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है इसका आगे काम पर चलते हैं। तो यहाँ पर ले रहे हैं हम इस तरीके के एक पीवीसी पाइप की शीट, और यहाँ पर इसे जो है दो गोल जो है गोल हमने कट कर लिया, इस तरीके से आपको भी कर लेने हैं, तो इसे हम जल्दी से फिक्स कर लेते हैं। गाइस देख सकते हैं यहाँ पर ले रहे हैं हम इस तरह का एक इंडिकेटर, और इसमें हम जल्दी से लगा लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो 5-पिन सॉकेट जिसमें कुछ हम पावर देने वाले हैं, तो इसे हम जल्दी से लगा लेते हैं। देख सकते हो हमने इसको लगा लिया, कनेक्शन काफी सिंपल से आप बढ़िया आसानी से कर लोगे। अगर आपके समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डायग्राम बनाकर जरूर दे दूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, बिना टेस्टिंग का वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा प्लीज दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। गाइस इसे घिस पिट कर देख सकते हो हमने इसको चिकना लम्डा जो है कर लिया है, काफी हैंडसम से जो है ड्रिल मशीन लग रही है, देख सकते हो काफी मस्त जो है इसका लुक आ रहा है। तो यहाँ पर हमने जो है इस पर पीवीसी पाइप की जो है मतलब जो पीवीसी टेप जो है इस पर लपेट दी थी, देख सकते हो काफी ज्यादा जो है मस्त इसका लुक आ रहा है, और देख सकते हो काफी देखने में अच्छी लग रही है। तो इसका लुक देख लेते हैं, तो इसमें हम जल्दी से पहले बिट लगा लेते हैं। गाइस यार अब होता है आपका इंतजार खत्म, यहाँ पर देख सकते हो हमने जो 5-पिन जो पिन ले लिए जो हमारे मोबाइल में लगती है, और देख सकते हो हमारा इंडिकेटर काफी अच्छे से जो काम कर रहा है, और हमारी ड्रिल मशीन भी काफी अच्छे से काम कर रही है, देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरीके से।
चलिए गाइस अब इसकी थोड़ी टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ले रहे हैं हम इस तरीके का एक कार्डबोर्ड, देख सकते हो काफी अच्छे से जो है चल रही है और इसमें आप जो है 12 वोल्ट से चला सकते हैं। तो आप जो है इसमें पीवीसी पाइप में भी होल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 5 वोल्ट से चला रहे हैं, तो देख सकते हो काफी अच्छे से जो है काम कर रहा है। तो गाइज आप इसे अपने घर पर बनाकर और इसका यूज कर सकते हैं। तो गाइज यार उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छे जरूर लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने छोटे भाई को सपोर्ट दिखाना, ताकि आपको फ्यूचर में अच्छे से अच्छी वीडियोज आपको दे पाऊँ। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय फ्रेंड।